महाराज कर्दम ऋषि, मैं मन में विचार किया, चलो तो देखने आ रहा है, अच्छी बात है, आने दो। दूसरा दिन जैसे ही हुआ, अब मुझे इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलेगी? कथा तो सबने सुनी, शायद याद भी आ जाता है। अब इन प्रसंगों से मुझे क्या शिक्षा मिलती है, उस पर गौर करना है। हाँ, जैसे हम लोग कहीं लड़की देखने जाए या लड़का देखने जाए, तो उसका क्या देखते हैं? लड़की देखने जाएंगे तो क्या उसके पेंटिंग पेंटिंग के श्रृंगार अच्छा कर दो 250 रुपया की क्रीम पोत के आई, अच्छी लग रही, ये देखेंगे नहीं, थोड़ा बहुत गुण भी देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। अब यहाँ कर्दम ऋषि बैठे हैं, प्रसंग चलना है क्या? कर्दम ऋषि के विवाह का, इससे शिक्षा मुझे क्या मिलना है, इस पर थोड़ी गौर करना है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब चले कौन? मनु, शत्रुपा, देवहूति और नारद जी कहाँ जा रहे हैं? कर्दम ऋषि के आश्रम में। कर्दम ऋषि को देखने मतलब विवाह संबंध करने के लिए चारों लोग चले आ रहे हैं। कर्दम ऋषि अपनी कुटिया में बैठे हैं, तो नारद जी ने पहले ही बोल दिया था, तो कर्दम ऋषि ने आसन बिछाई कितनी? चार, क्योंकि चार लोग आ रहे हैं तो चार आसन बिछाना चाहिए, ऐसे आसन लगा दी चारों लोगों के लिए बैठने के लिए। भाई जो हमारे घर आएगा अतिथि तो है ही, अतिथि है, अतिथि देवो भवः, पितृ देवो भवः, सम्मानी है, चार आसन लगा दी बढ़िया। और जैसे चारों लोग आए तो मनु महाराज अपनी आसन पर बैठ गए, शत्रुपा महारानी भी बैठ गई, नारद जी भी बैठ गए, चौथी आसन खाली और देवभूति खड़ी। अब देवभूति जी मन में क्या सोच रही है? खड़ी खड़ी, हे भगवान, ये मेरे होने वाले पति हैं, मेरे होने वाले पति, उन्होंने मुझे आसन बिछाई है बैठने के लिए, अगर नहीं बैठते तो इस आसन का मान घट जाएगा, अगर बैठ जाते हैं तो पति का अपमान हो जाएगा, तो उनका भी मान रखना है, आसन का भी सम्मान रखना है, अब क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? देवहूति चारों ओर देखे, मनु महाराज का बैठे बैठ जाओ, हाँ भाई पिताजी बैठ जाओ, देख करके थोड़ी सी जगह पड़ी थी कोने में, तो उस आसन के ऊपर उन्होंने अपना दाएं हाथ रख दिया तो जमीन में बैठ गए, दाएं हाथ रख करके जमीन में बैठ गई। कर्दम ऋषि से जब चर्चा आई तो कर्दम ऋषि ने देख लिया, मनी मन विचार कर लिया, संबंध करेंगे तो इन्हीं के साथ रहेंगे, क्या हमारी परीक्षा हो गई, हमको क्या देखना था, हमने सब कुछ देखे। तो हमें भी अगर कहीं अपने लड़के के लिए बहू देखना है तो उसके गुणों को जरूर देखना पड़ेगा, पता चला तीसरे दिन महाभारत हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, और अगर मुझे अब यहां मनु महाराज ने कर्दम ऋषि के लिए क्या देखा, भाई उनको भी तो लड़का देख लिया, ये हमारे लायक है कि अथवा नहीं है। तो जब मनु महाराज अंदर गए थे तो कर्दम ऋषि ने अपनी आसन को छोड़ कर गए, जहां बैठे थे उठ करके खड़े हो गए, यहां तक कि बाहर निकल गए और दोनों हाथों से आइए महाराज बड़े सम्मान से उस आसन को बिठाया। आसन में बिठाने के बाद प्रणाम करने के लिए जैसे झुके, क्योंकि राजा है और क्योंकि आज हमारे अपने बुंदेलखंड में जरूरी परंपरा नहीं है
कि दामाद सफर के पहल से मिले छूटा है, बुंदेलखंड में नहीं है। हम लोग आसाम बिहार या साइड जाएं, राजस्थान साइड में जाएं, तो दामाद अपने सफर के पहल से था, ये वहाँ परंपरा है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, अपने यहाँ नहीं है। चलो उसको छोड़ो, वो परंपरा है। तो यहाँ महाराज हाथ जोड़ करके आइए महाराज, क्योंकि हमारे यहाँ कोई अतिथि आए तो हमें सम्मान तो करना चाहिए। अभी संबंध तो हुआ नहीं, अब पता नहीं हो अथवा ना हो, ये किस्मत की बात है, लेकिन आओ महाराज बैठो। बड़े सम्मान से बिठाया तो मनु महाराज, वो तो राजा है, बुद्धिमान तो थे, उन्होंने जैसे कर्दम ऋषि को देखा, मन में सोचा हमारी बेटी के योग ये बड़ा अच्छा है, बिठा लिया, समझ गए, और यहाँ पर संबंध हो गया। क्या यहाँ पर कर्दम ऋषि और देवभूति के साथ में संबंध फिक्स हो गया, तारीख फिक्स हो गई। महाराज इन प्रसंगों से मुझे यही शिक्षा मिलती है कि मुझे अगर लड़की देखने के लिए जाना है, उसके कुछ गुणों को जरूर देखना पड़ेगा। किस क्या है, क्योंकि अगर हम लोग पेंटिंग पेंटिंग अगर देखेंगे उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि पत्नी कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। अब आप लोग सोचो कौन कौन से हैं, एक होती है पत्नी, दूसरी होती है धर्म पत्नी, और तीसरी होती है वाइफ। वाइफ का जानते हैं, हाँ, पत्नी का मतलब पति के आज्ञा से अनुसार चलना, धर्म पत्नी का मतलब उसके परंपरा को सबको लेकर के चलना, अपनी सारी परंपरा को चलना, लेके चलना, क्योंकि आपत्ति काल में कौन सहयोग करता है, धर्म पत्नी ही करते हैं। हमें आपत्ति विपत्ति काल में कोई बीमारी पड़ जाए तो सब लोग सहारा छोड़ देंगे, अब पड़ा रहने दो, महीनों पड़ा रहे, बीमार आदमी कौन इसकी सेवा करे, लेकिन धर्म पत्नी छोड़कर नहीं जा सकती, ध्यान देना इस बात को, कभी जीवन में छोड़ के नहीं जाएंगे। वो कहेंगे कि मरेंगे तो जिएंगे तो इसी जगह रहेंगे, बाकी कुछ नहीं। अब आ गई वाइफ, तो वाइफ तो ये है कि महाराज अब बैग और बच्चे टांगो आप, हम चलते खाली, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ हे महाराज, क्या बात है भाई, ऊंची बात नहीं करना उनसे। हाँ वाइफ के बड़े खतरनाक नियम होते हैं जो पालन कर रहे हैं, मैंने अपने यहाँ क्षेत्र में तो नहीं है, अभी हम गुड़गांव गए थे, गुड़गांव में देखो महाराज वाइफों की स्थिति बड़ी खतरनाक। हाँ अगर भैया जी से कह दिया इस जगह पे बैठना है तो पत्नी ने आदेश दे दिया बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि वाइफ एक ही नहीं है, नहीं तो अभी हाल चली जाएगी दूसरी जगह ले राधेगा। यहाँ महाराज कर्दम ऋषि का संबंध देवभूति के साथ संपन्न हुआ, और जब देवभूति के साथ संपन्न हुआ, क्यों हुआ देवभूति के साथ संबंध, ये पूर्व जन्म की भी बात आ जाती है, ध्यान देना। यहाँ कहते हैं कि जन्म विवाह मरण गति सोई, बाबा तुलसीदास लिखते हैं, सबको इस बात का पता है, विवाह होता है तो पूर्व जन्म के प्रतापों से भी, पुण्यों के प्रताप से भी होता है। अब किससे हमारा संबंध लिखा है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि कर्दम ऋषि से जब ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको सृष्टि की रचना करनी है मैथुन शक्ति के माध्यम से, संबंध करना पड़ेगा। कर्दम ऋषि ने कहा तो बड़े चक्कर में पड़ गए, संबंध करवाना है, पिताजी ने कह दिया, अब मुझे पत्नी अच्छी मिलना चाहिए, कैसी मिलना चाहिए, रूपवान गुणवान और धैर्यवान, ये तीनों गुण होना चाहिए। तो कर्दम ऋषि ने 60,000 वर्ष तक पहले तपस्या करी, तपस्या करने के बाद जब स्वयं भगवान नारायण आए, कर्दम ऋषि से कहा मांगो क्या चाहते हो, तो कर्दम ऋषि शर्म के मारे मुंह नीचे कर लिया, अब बताओ क्या।
समझ गए भगवान नारायण इनकी इच्छा संबंध करने की तो है ही है, लेकिन अभी पत्नी सुंदर चाहते हैं, ठीक चाहते हैं, इसलिए चलो वही मैंने वरदान दिया। तुम्हारा कर्दम ऋषि ने तो ऐसी सुंदर पत्नी को पाने के लिए 60,000 वर्ष तक किया था, अगर आप लोग चाहते हो तो 60,000 तपस्या कर लो। बोलो जय श्री कृष्ण।